कंपनीज फाइनल अकाउंट, कंपनीज फाइनल अकाउंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग केवल बैलेंस शीट बनाएंगे। सर प्रॉफिट लॉस वाला हो चुका है, मेरा प्लेलिस्ट में है, पूरा लाइंस है, ऑर्डर में दिया है, वो ऐसे प्रैक्टिस कर लो। सर उसका फॉर्मेट बैलेंस शीट पीएनएल का वो स्टार्टिंग लेक्चर में है, तो सब ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट में है। अब हम करने जा रहे हैं बैलेंस शीट के ऊपर प्रॉब्लम। तो एक क्वेश्चन दिखाई देता रहेगा, आपको बैलेंस शीट ओनली बनाना है, प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना है। द ट्रायबलेंस ऑफ डी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2019, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो बच्चे बी कॉम लेवल का तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, नंबर चेंज करके आएगा। तो सुनो क्या क्या दिया है। देखो पहला अपन ना एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, सुने एडजस्टमेंट क्या क्या। पॉइंट नंबर वन, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच एंड 20,000 10% शेयर 100 ईच। ऑथराइज कैपिटल हमेशा डिस्क्लोजर होता है, तो जब शेयर कैपिटल का नोट बनाएंगे ना उसी के अंदर लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, ये एक डिस्क्लोजर है। नेक्स्ट, डिबेंचर आर सिक्योर्ड अगेंस्ट फिक्स्ड एसेट, ये भी एक डिस्क्लोजर है, तो जिधर भी हम डिबेंचर लिखेंगे ना नोट में वहां लिख देंगे सिक्योर्ड किसके ऊपर है, फिक्स एसेट्स के ऊपर है। ठीक। नंबर थ्री, डेटर इंक्लूड 7,500 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने ज्यादा हो गया हमारा पैसा नहीं दिए, तो ऐसा डेटर को अलग शो करना है, तो डेटर का डिस्क्लोजर है, हम ऐसा लिखेंगे ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ और बाकी को बोलेंगे अदर, तो डेटर के ऊपर डिस्क्लोजर है, याद रखो। क्लोथिंग स्टॉक, क्लोथिंग स्टॉक का बायफरकेशन दिया, तीनों को प्लस करोगे ना तो क्लोथिंग स्टॉक कितना आएगा मालूम है, तीनों को प्लस करोगे तो स्टॉक उतना ही आएगा जितना ट्रैवलर्स में शो हो रहा है। ट्रैवलर्स में स्टॉक है 120,000 और तीनों को प्लस कर देगा 120,000 होगा, चेक करो, तीनों को प्लस करोगे ना तो 120,000 होगा, दैट इज 35,000 प्लस 65 प्लस 20 बराबर 120,000, तो 120,000 का बायफिकेशन दिया है। ओके, नेक्स्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड फॉर लास्ट 5 ईयर इज इन एरियर्स, ये कॉन्टीजन लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के बाहर लिखना है इसको बस, कि हमने इस कंपनी ने प्रेफरेंस शेयरों को 5 साल से डिविडेंड नहीं दिया है, कुछ नहीं करना है इसका। क्रेटर इंक्लूड क्रेटर फॉर एक्सपेंस, ये भी क्रेटर का डिस्क्लोजर है, तो क्रेटर में तोड़ के लिखेंगे, एक लिखेंगे क्रेटर फॉर गुड्स और दूसरा लिखेंगे क्रेटर फॉर एक्सपेंसेस। बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर, हाँ एक ही एडजस्टमेंट है बस, बिल्स रिसीवेबल के अंदर डिसऑनर बिल है, एक बिल डिसऑनर हो गया तो बिल क्या डिसऑनर क्या कर रहा है, तो इसका दो अफेक्ट क्या आएगा लिख लो, एक तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल और एड इन डेटर। वापस बोलता हूँ, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब बिल पैसा डूब गया, तो बिल्स रिसीवेबल नहीं बोलेंगे आज से, उसको डेटर बोलेंगे, तो लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल एड इन डेटर, तो एक ही एडजस्टमेंट है पूरा क्वेश्चन में। अब चलो टिक मार्क करने आना चाहिए, ध्यान देना। तो बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल किधर जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल जाएगा शेयर कैपिटल में, 10% प्रेफरेंस शेयर शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व रिजर्व्स होता है ना वहाँ शो करेंगे, पब्लिक डिपॉजिट एक टाइप का एफडी जैसा होता है बस अनसिक्योर्ड होता है, तो एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर शो करेंगे पब्लिक डिपॉजिट। बस डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट में क्या फ़र्क है, पब्लिक डिपॉजिट अनसिक्योर्ड होता है, डिबेंचर सिक्योर्ड होता है, लेकिन उधर ही लिखना है 8% डिबेंचर एलटीबी लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ आएगा, रिजर्व के अंदर। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ शो करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर ट्रेड पेबल बिल्स पेबल ट्रेड पेबल एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अगर किसी कस्टमर से एडवांस मिला तो अपना तो लाइबिलिटी अब कहाँ शो करेंगे, करंट लाइबिलिटी में 4 होते हैं, पहला होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, दूसरा होता है ट्रेड पेबल, तीसरा होता है अदर करंट लाइबिलिटी, तो अगर कस्टमर से एडवांस हमको मिला है तो कहाँ शो करेंगे, अदर करंट लाइबिलिटी में। बैंक ओडी शॉर्ट टर्म बोरिंग, करंट लाइबिलिटी में पहला होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग, फॉर्मेट याद रहना चाहिए बेटा आपको तभी मजा आएगा। लोन फ्रॉम IDBI LTB में शो करेंगे, फिक्स असेट्स PPE प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में टेंजिबल में शो करेंगे, इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में शो करेंगे, क्लोथिंग स्टॉक इन्वेंट्री में शो करेंगे, बैंक बैलेंस और कैश इन एंड कैश एंड कैश में आएगा, एडवांस टू सप्लायर, हमने सप्लायर को एडवांस दिया तो अपना एसेट होता है, करंट एसेट में 6 नाम है आपको याद रखना चाहिए, पहला है करंट इन्वेस्टमेंट, आँख में आँख डाल के बात करें, करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस है ना, इन्वेंट्री देखो वापस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट
इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, जो नहीं आएगा अदर में आएगा। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस, एडवांस है ना, मैचिंग मैचिंग शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांस शो करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट में पहले ही होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेटर में शो करेंगे, मतलब ट्रेड रिसीवेबल में शो करेंगे। शुरू करते हैं बेटा, तो सुनो हम सॉल्व भी करेंगे और सबमिटर्स भी करेंगे। तो लिखेंगे बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, बैलेंस शीट एस ऑन 31st मार्च, कौन सा है बैलेंस शीट हमारा, बैलेंस शीट एस ऑन 31st मार्च 2019, एस ऑन 31st मार्च 2019, ये रहा आपका बैलेंस शीट। एक रुपीस कॉलम मेंटेन करना और एक पतला सा नोट टू द अकाउंट, नोट और ये आपका रुपीस, ये तो एक पेज का बना। उसके बाद आएंगे नोट टू द अकाउंट, नोट टू द अकाउंट, नोट टू द अकाउंट में ये समझना आपका दो पेज है। शुरू करेंगे वन से, तो याद है ना पूरा फॉर्मेट डिक्टू। तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, देखते जाना सर क्या सॉल्व करते हैं, आधा घंटे में सॉल्व करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें लिखेंगे नंबर वन कौन सा, इक्विटी लायबिलिटी फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में पहला क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। अब आ जाओ शेयर कैपिटल के ऊपर, डिस्क्लोजर था, अथोराइज कैपिटल दिया था, तो हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो सुनो आ जाओ क्वेश्चन में दिखाते हैं आपको, हम ना क्या छापेंगे उसका, अथोराइज कैपिटल। तो आ जाओ शेयर कैपिटल, पहला नोट लिखेंगे शेयर कैपिटल, उसमें लिखेंगे अथोराइज कैपिटल। अथोराइज कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट कैन बी रेज बाय कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अथोराइज कैपिटल पूरा सेम छापो, नोट नंबर कौन सा सर, वन वाला, ऐसा लिखने का 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो इनटू कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो लगाना, तो कितना शेयर इशू कर सकते, 50 लाख। ऐसी इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर कितना, 20,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वापिस 6 जीरो, कितना, मतलब 20 लाख्स। एक नीचे का अंडरलाइन मार देना क्योंकि टोटलिंग में नहीं गिनते, दिखावा के लिए। अब हम लिखेंगे इशूड, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब इसमें क्या लिखेंगे, जो शेयर कैपिटल दिया था ना बेटा, जो शेयर कैपिटल दिया था, देखो क्वेश्चन में देखते जाओ, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा था ना, वो लिखेंगे हम भी, क्वेश्चन ही देख के लिख रहे हैं। तो लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, इनटू करो, आंसर आएगा 20 लाख्स। ये देखो कंपनी ने अपना औकात के अंदर ही इशू किया है, टंगड़ी उतना ही निकाले जितना चादर है, तो हमारा चादर 50,000 का, तो हमने कितना इशू किया, 20,000, चलेगा, लिमिट के अंदर ही इशू करने का, यही तो है डिस्क्लोजर, ये ऊपर वाला डिस्क्लोजर है, ठीक है। कंपनी इसके अंदर ही इशू करे, इससे ज़्यादा ना इशू करे। ऐसी प्रेफरेंस शेयर देखो कितना, 10,000, तो 20 कर सकते थे, लेकिन आज हमने 10,000 ही शेयर इशू किया है, 10,000, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, कितना हो गए, 10 लाख हो गए। अब टोटल करोगे तो भैया कंट्रोल 30 लाख्स होगा, इसको नहीं टोटल करने का, दिखाने के लिए, हाथी दा दिखाने कुछ और खाने कुछ और है, तो ये दिखाने के लिए हमें बस यही लिखना है। तो इसके सामने कितना लिखे, 30 लाख्स, बोलो समझा। अब आते हैं रिजोर्स एंड सरप्लस, रिजोर्स एंड सरप्लस, रिजोर्स सरप्लस नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, पहला दो थोड़ा सा लेंथी रहता है, रिजोर्स एंड सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में सर्च करो अभी जरा, कौन सा रिजर्व हमारे पास था। पहला है बेटा जनरल रिजर्व, हाँ जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के ऊपर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं मिला, जनरल रिजर्व आउटर में 10 लाख। नेक्स्ट जनरल रिजर्व के बाद, क्योंकि एडजस्टमेंट भी किया लो, बिल्स डिसऑनर वाला ही था, हाँ तो जनरल रिजर्व। दूसरा कोई रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बोला है ना, तो 1.5 लाख और ढूंढो, जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, और कोई रिजर्व नहीं है दिख रहा है, तो हमारा रिजर्व हो जाएगा कितना, 2, 10 लाख रिजर्व, हमने जनरल रिजर्व गलत लिखा क्या, हाँ जनरल रिजर्व में 1 लाख है, वही बोला, एक ज्यादा लिख दिया मैंने मूड में आके,
मोबाइल में देख रहा हूँ ना, तो कभी कभी नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो जर्नलिज्म में 1 लाख है, प्रॉफिट लॉस में 1,20,000 टोटल हो गया 2,50,000। तो यहाँ लिखेंगे 2,50,000, बोले यहाँ तक समझा। नंबर टू, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, LTB लॉन्ग टर्म बोरिंग, जो लंबे समय के लिए बोरिंग किया। नोट नंबर 3, इसमें बहुत लोग हैं। तो LTB लॉन्ग टर्म बोरिंग, आ जाओ लॉन्ग टर्म बोरिंग में स्टार्टिंग से ढूंढो। तो पहला आएगा पब्लिक डिपॉजिट, आएगा पब्लिक डिपॉजिट। तो पब्लिक डिपॉजिट का अमाउंट है, जनरल रिजर्व के नीचे ही था, जनरल रिजर्व था ना 1 लाख, उसके नीचे पब्लिक डिपॉजिट 25,000। पब्लिक डिपॉजिट के बाद अगला 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर इशू किया था कंपनी ने, 100 रुपीज़ ईच, फुल्ली पेड अप 10 लाख। उसके बाद याद है वहाँ ट्रैवलेंस में आगे जाओगे तो लोन फ्रॉम IDBI था 1,28,500, लोन फ्रॉम IDBI। तो इन तीनों को प्लस कर लो, आपका LTV मिलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो 25,000 प्लस 10 लाख प्लस 1,28,500, हमारा LTV आएगा 11,53,500। चेक कर लो आप भी, 11,53,000 क्या सर, 500। आगे बढ़ते, फिर करंट लाइबिलिटी में 4 होते हैं, रहेगा तो ही लिखने का तो है ना। पहला है शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, इसमें नॉर्मली बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह आते हैं। दूसरा है ट्रेड पेबल, और आगे दूसरा नेक्स्ट है अदर, जो किधर भी नहीं आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी, बाद में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अभी चलो ढूंढते हैं, पहले तो शॉर्ट टर्म बोरिंग नाम का था ना, वो लोग भी शॉर्ट टर्म बोरिंग ही लिखे थे शायद, देखो रो एक मिनट ढूंढने दो, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, वही आएगा कितना 35,000। तो लिखेंगे नंबर 4 शॉर्ट टर्म बोरिंग, उसमें लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट किससे लिया है, SBI से लिया है। कितना लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 35,000, क्योंकि नाम अलग है अंदर कुछ और लिख रहे हैं नोट बनाने का, तो इसके सामने लिखेंगे 35,000। समझे क्या, नोट नंबर 4। ट्रेड पेबल में डिस्क्लोजर है, तो नोट नंबर 5 ट्रेड पेबल। अब मुझे आ जाओ ट्रेड पेबल में डिस्क्लोजर क्या था मालूम है, वो बोले थे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस दिया था, तो मुझे बताओ क्रेडिटर कितना दिख रहा है, क्रेडिटर हाँ 75,000 है, हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा, और बिल्स पेबल भी है। तो सुनो, लिखेंगे क्रेडिटर, उसमें लिखेंगे क्रेडिटर फॉर गुड्स, अंदर लिखेंगे क्रेडिटर फॉर गुड्स, और दूसरा लिखेंगे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, हमें एडजस्टमेंट में क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस दिया था, नहीं दिख रहा है 4,500, और टोटल क्रेडिटर कितना था बेटा 75,000 था। तो मुझे बताओ 75 में 4,500 एक्सपेंस वाला क्रेडिटर है, 75,000 में 4,500 एक्सपेंस वाला क्रेडिटर, इसका मतलब बाकी गुड्स का क्रेडिटर रहेगा, समझा क्या, बैलेंसिंग फिगर। ऐसी बिल्स पेबल दिया है इस क्वेश्चन में 25,000, तो हमारा ट्रेड पेबल कितना हुआ, 1 लाख हुआ, समझे। तो ट्रेड पेबल कितना लिखेंगे, 1 लाख। आगे बढ़ते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी में याद करो हमने एडवांस लिया था कस्टमर से, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर करीबन वो 12,000 का था, तो बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि नाम अलग है अंदर कुछ और लिख रहे हैं। अदर करंट लाइबिलिटी लिखेंगे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर से एडवांस लिया था, कितना एडवांस फ्रॉम कस्टमर 12,000, समझे, यस सर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, प्रोविजन पर टैक्स आएगा, सुने, तो साइड में चलते हैं। नंबर 7 शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें एडवांस टैक्स नहीं था, तो लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अमाउंट है 25,000, एक ही है सीधा उठा के, एक करेंगे तो टोटल नहीं करने का, बाद में टैली होगा देखा जाएगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट इसका, असेट्स, असेट्स में दो ही होते हैं, पहला नॉन करंट असेट,
नॉन करंट में पहला ए स्मॉल लेटर ए लिख सकते, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, उसमें टेंजिबल, टेंजिबल तो टेंजिबल का देखो इस क्वेश्चन में जो टेंजिबल एसेट दिया था, डायरेक्ट फिक्सेड्स लिखा नेट ब्लॉक, तो हम भी वही लिखेंगे डायरेक्ट, कुछ डिटेल नहीं दिया, तो 38,70,000 हम भी लिख देंगे। अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इन TCS, तो स्मॉल लेटर भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमें डिटेल में लिखना पड़ेगा, तो नोट नंबर 8 बनाएंगे, नोट नंबर एट लिखेंगे कौन सा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ TCS, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ TCS कंपनी का शेयर्स खरीदा है, ये बात हमें बताना पड़ेगा कितना, 3,25,000 का, इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और तो कुछ नहीं भाई, बाहर निकलते पॉइंट नंबर 2, करंट असेट, करंट असेट्स के अंदर सुन रहे हो, यहाँ तक समझा, करंट असेट्स के अंदर पहला करंट इन्वेस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, करंट इन्वेस्टमेंट जरा सर्च करो, करंट इन्वेस्टमेंट ढूंढो, शॉर्ट टर्म बोले थे, करंट नहीं बोले थे, प्यार से शॉर्ट टर्म बोले थे, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 20,000, अंदर कुछ डिटेल में नहीं दिया इसीलिए डायरेक्टली है, करंट इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो इसका डिस्क्लोजर था इन्वेंट्री का, तो आ जाओ नंबर 9 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिटेल में दिया था कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, उसके अंदर रॉ मटेरियल है 35,000 का, बबलू नहीं डब्लू, डब्लू आई पी कितने का है 65,000 का, और फिनिश गुड कितना है उसका पेट में 20,000, तो ये सब प्लस कर दो आपको इन्वेंट्री मिल जाएगा, तो इन्वेंट्री का अमाउंट उतना ही आएगा जितना वो टोटल दिए थे, सुने मिला, तो इन्वेंट्री आएगा 120,000 का, समझा, तो इन्वेंट्री कितना लिखेंगे 120,000, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेंट्री हो गया, अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का डिस्क्लोजर था, तो नोट नंबर 10 का दम, तो ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल उसमें डेटर का याद करो डिस्क्लोजर था ड्यू फॉर मोर देन, तो लिखेंगे ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, तो बताओ मोर देन 6 मंथ कितना था डेटर, स्टार्टिंग में बताए थे एडजस्टमेंट था ना, उसमें था ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ है 7,500, अंदर लिखो, तो बाकी को टोटल डेटर हमारा कितना था क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, टोटल हमारे पास डेटर थे ट्रेड रिसीवेबल संडे डेटर 35,000 थे, उस 35 में 7,500 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ है, तो बाकी को बोल देना अदर, 27,500 को बोल देना अदर, ये अच्छे डेटर है, ठीक है, क्या इसे बिल्स रिसीवेबल है, हाँ अलग से लिखो, रुको, एक एडजस्टमेंट था याद आया हमको, अभी बात करते एक एडजस्टमेंट था याद करो, वो बोले थे बिल डिसऑनर, तो क्या होगा मालूम है, डेटर का अमाउंट कितना दिया था वो अंदर ही लिखेंगे हम लोग, तो डेटर का अमाउंट कितना दिया था हमको, वो हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, डेटर है 35,000, पहले डेटर को लिखेंगे हम लोग और बिल सीरीसल का अलग शो करेंगे, ये बिल सीरीस बिल डिसऑनर हुआ तो इसमें ऐड होगा, ऐड बिल डिसऑनर कितना, 2,000 का बिल डिसऑनर होगा तो 37,000 हो गया, 37,000 का हमें बाइफिकेशन देना है, तो लिखेंगे ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ, अब वो कितना था मालूम है, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ वो अमाउंट था 7,500, तो 7,500 को निकाल दो, तो बाकी को बोल देना अदर, ये 37 में से निकाल दो, 37,000 में से सुन रहे हो माइनस 7,500, तो कितना बचा 29,500, सुना अलग तरीके का डिस्क्लोजर, और बिल्स रिसीवेबल अलग से लिख दो, बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में कितना दिया था 18,000 दिया था, लेकिन याद करो बिल डिसऑनर हुआ था, तो लेस बिल डिसऑनर, जो बिल डिसऑनर होगा 2,000 इधर से लेस होके इधर ऐड हो गया ऊपर, समझा एडजस्टमेंट, तो बिल्स रिसीवेबल कितने का हो गया 16,000 का हो गया, प्लस कर लो ट्रेड रिसीवेबल मिल गया आपको, ट्रेड रिसीवेबल कितना का 7,500 प्लस 29,500 प्लस 16,000, ट्रेड रिसीवेबल हो गया 53,000 का, समझे क्या। अब आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 11 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें ढूंढो कैश इन एंड और कैश एट बैंक होगा और क्या होगा,
तो कैश इन हैंड का अमाउंट है, कैश इन हैंड का अमाउंट है 27, कैश इन हैंड का अमाउंट है 27,500 और कैश एट बैंक का अमाउंट है जो बैंक स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने रखे हैं, कैश एट अ बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1,20,000, तो दोनों को प्लस कर लो, 1,47,500 इज द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा, 1,47,500 बोलो, समझा यहाँ तक हो गया, और कुछ बचा है क्या देखो जरा एक बार नज़र घुमा लो, कैश एंड कैश का शॉर्ट टर्म एडवांस था, एक एडवांस था नंबर 12 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, उसमें क्या आएगा मालूम है, वो वाला हमने सप्लायर को एडवांस दिया था, वो कितना अमाउंट है रुको ढूंढने दो, 40,000 का एडवांस टू सप्लायर, क्या बोलेंगे एडवांस टू सप्लायर, कितना 40,000 का एडवांस दिया था, यहाँ लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस नंबर 12, ये स्टेज पे टैली करते हैं, चलो 30 लैक्स प्लस 2,50,000 प्लस 11,53,500 प्लस 35,000 प्लस 1,00,000 प्लस 12,000 प्लस 25,000 45,75,500 कितना आ रहा है 45,00,000। और सुनो आपको जो ट्रैवलेंस दिया था उसका भी टैली अमाउंट वही था, देखो 45,75,500 क्यों मालूम क्या, हम वही लिख रहे हैं बस ना, अच्छे से ग्रुप बनाया, अरे यार बेवकूफ़ बनाया यार, बस प्रेजेंटेशन किया, एक ग्रुप बना बना के लिखा, फाइनल अकाउंट इतना इजी है, देखो जाके देखो जो क्वेश्चन था ना उसका टैलीमोंट भी यही था। नेक्स्ट 38,70,000 प्लस 3,25,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 53,000 प्लस 147,500 प्लस 40,000 वाओ 45,75,500 प्रॉब्लम कंप्लीटेड। बोलो अच्छे से प्रॉब्लम समझा, प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके।